अरे सर, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। कारण है इसका कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रखा है कि लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, फूंक मारूंगी तो सारी नदियां मोड़ दूंगी, और मेरे अलावा अगर किसी की तरफ आंख उठाई तो समझ लेना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। वैसे मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। पुष्कर के मेले में चला गया था पिछले साल अपने बेल को लेकर। सामने से एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस। अब मुझे ये तो पता है कि गाय को काऊ कहते हैं, मगर बेल को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा, लेकिन साहब गुजर के छोरे ने बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे ही उससे पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज जेंट्स काऊ। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे फूल लेके गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया और पूछा भैया कितने का है। मैंने कहा मैं पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्रेम का इजहार है। हाँ। वो बोली इधर देख, तेरी बगल में जो खड़ा है वो गुलदस्ता लेके पहले से ही जीजा बन के तैयार है। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में ही साइंस की लड़की से मुझे प्यार हो गया। वाह वाह। और आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार किया, और साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया आपके बीच में। आर्ट्स का इजहार कि है स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। क्या बात है, तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आ जा, मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सका, इश्क का स्वाद अब तक न चखा। क्या बात है। हे मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरह फैला। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए, साइंस की लड़की का जवाब सुनना, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए। या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हो, दिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हो, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहाँ दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए, अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें, अपनी मोहब्बत को सारे जहाँ में हिट कर दें। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब लड़की बोली DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, ना गधे में ना घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूँ सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोक क्या परलोक सुधर जाएगा, और फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा। होली की ढेर सारी मुबारकबाद। चार मिसरे पेश करता हूँ। इरशाद। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं, हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का दानव जलाया। चार लाइन आपके बीच रखता हूँ। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। क्या बात है। आज होली जली इस मोहब्बत के साथ, नफरतों के अंधेरे भस्म हो। यहाँ से चार मिसरे पेश करता हूँ जी। गोलों के तन पे बैठी थे
लपेट लिया अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, हाय हाय मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी खास तौर से पेश करता हूँ जी। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, होता शेर पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। और शेर, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ जी। ये इंटरनेट का दौर इरशाद, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, वाह 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 वाह। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया जुदाई। यार शेर पेश करता हूँ। हिजर में तेरे बरसों फायदा नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते, अपने आप को भी हम बहुत बढ़िया शेर आपने दिखाई देते हैं। मैंने ये भी कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। आए, 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 क्या बात है। पांडे जी से कुछ पूछना चाहता, पांडे जरा माइक उठाइए। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी किस्सा हुआ कि लड़की गले लगी और खुशबू अभी तक आ रही हो कुर्ते में? कोई हसीन हो वो या कोई हो हसीना, है चौखटा ही ऐसा आए किसे हसीना, आए हाय हाय हाय, और उनके गले मिलने का ऐसा हुआ नतीजा आया उसे पसीना और छूटा मुझे पसीना। देखिए आपकी उम्र गले मिलने की है या नहीं, ये सरिता जी कुछ कहना चाहती हैं इनकी उम्र के लिए, आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसी चीजों का एक बिल्कुल दूसरा पहलू बहुत मजा रहा है। आधी आधी दुनिया तो मैंने बहुत पहले इन जैसे किसी महानुभाव के लिए कहा था जी कि इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, और उम्र है राम नाम लेने की फिर भी नियत खराब लगती है। मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। जी जी फाटा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत मजा आ रहा। भला हम देख पाते किस तरह सावन की हरियाली, अगर चढ़ती उम्र की मोड़ पे फागुन नहीं मिलता, हाय हाय, और लगाया रंग जो था गाल पे वो पिछली होली में, न मिटता बेवफाई का अगर साबुन नहीं मिलता। चलिए गीत पेश करता हूँ जी। आँखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। क्या बात है।